ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे पहले किस नबी ने कहा था? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। सबसे पहले किस नबी के बाल सफेद हुए थे? जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कौन सा एक लफ्ज़ पढ़ने से हर गुनाह माफ हो जाता है? जवाब है ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कलमा तैयबा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस गजवा में शिरकत की? जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवा अबवा में शिरकत की। किस वक्त रोजा तोड़ना जायज है? जवाब है मौत के डर से। इंसानों के अलावा कब्र में और किस मखलूक से सवाल जवाब होगा? जवाब है जिन्नात से। कायनात में सबसे ज्यादा इल्म किस नबी के पास था? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले किस नबी की कौम पर अल्लाह ताला का अजाब आया था? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सबसे पहले अल्लाह अकबर किस नबी ने कहा था? जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत मोहम्मद सल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कितने साल बाद पैदा हुए थे? जवाब है 6155 साल बाद। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल क़याम पज़ीर रहे? जवाब है 53 साल। हजरत आदम अलैहि सलाम ने सबसे पहले किसकी रोटी बनाई? जवाब है हजरत आदम अलैहि सलाम ने गंदम काटने के बाद उसकी रोटी बनाई। सबसे पहले ईद उल अज़हा की नमाज कब पढ़ी गई? जवाब है पहली ईद उल अज़हा की नमाज सन 2 हिजरी में पढ़ी गई। किस नबी के ज़माने में शराब इजाद हुई? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में शराब इजाद हुई। अल्लाह ताला का शेर किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत आदम अलैहि सलाम को कितनी जबानों का इल्म था? जवाब है 7 लाख। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्र में कितने उम्रे किए थे? जवाब है 4। वो कौन सी सूरतें हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुझे तुरात के बदले में मिली हैं? जवाब है सूरतुल बकरा, सूरत आले इमरान, सूरत निसा, सूरत माईदा, सूरतुल अनाम, सूरतुल आराफ और सूरतुल अनफाल। हज़रत मोहम्मद सल्लम की अक्सर व बेशतर क्या ग़िज़ा होती थी? जवाब है जौ की रोटी।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत आम का आगाज़ कहाँ से किया? जवाब है सफ़ा की पहाड़ी से।